बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक जज के बारे में बात करेंगे। ये जज जिनका ताल्लुक राजस्थान से है और जिन्हें हाल ही में सेक्स के एक केस में गिरफ्तार किया गया। जज का पूरा नाम है जितेंद्र सिंह गोलिया, जिनकी उम्र 52 साल है। वो एक स्पेशल कोर्ट के स्पेशल जज है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसने पूरी अदालत का सर शर्म से झुका दिया है। मामला राजस्थान के एक टेनिस क्लब का है, जहां पे जज टेनिस खेलने के लिए जाया करते थे। वहीं पर 14 साल का एक बच्चा भी टेनिस खेलने आया करता था। जज ने पहले तो उस लड़के के साथ दोस्ती बढ़ाई और आहिस्ता आहिस्ता उसे अपने घर ले गए, और घर ले जाने के बाद मिठाइयों में और शराब में नशे की दवाइयां डाल के बच्चे को बेहोश किया, उसके साथ बदफेली की और बदफेली करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया। जब बच्चे को होश आया तो वो वीडियो बच्चे को दिखाकर धमकी दी गई कि अगर उसने जज की इस हरकत के बारे में किसी को बताया तो वो ये वीडियो वायरल कर देंगे और उसको बदनाम कर देंगे, और साथ ही साथ उस बच्चे के बड़े भाई को झूठे केस में फंसा दिया जाएगा, और साथ ही साथ उस बच्चे की माँ के साथ जिना किया जाएगा। बच्चा ये वीडियो और ये धमकी देख करके डर जाता है और सहम जाता है। बच्चा घर आता है लेकिन किसी को भी इस वाक्य का जिक्र नहीं करता। करीब 1.5 महीने तक के जज उस बच्चे के साथ बदफेली करता है और बच्चा डरा सहमा घर में रहता है। उसकी माँ बच्चे का रवैया देखकर बड़ी परेशान होती है कि बच्चा आजकल डरा सहमा क्यों है। यही नहीं बल्कि बदफेली के बाद जज अपनी गाड़ी में बिठाकर बच्चे को उसके घर पर छोड़कर आया करता था। माँ ने एक बार बच्चे को जज के साथ देख लिया और सख्ती से बच्चे से पूछा कि आखिर मामला क्या है और ये कौन है। बच्चे ने डर के मारे सारी चीज़ें माँ को बताई और रोने लगा। उसके बाद उसकी माँ ने टेनिस क्लब में बच्चे को जाने से रोक दिया। जब जज को पता चला कि बच्चा टेनिस क्लब में टेनिस खेलने नहीं आ रहा है और बदफेली का मौका नहीं मिल रहा है, तो उसने अपने कोर्ट के दो कारकुन को बच्चे के घर भेजा ताकि वो बच्चे को उसके घर ले आए। लेकिन उन दोनों कारकुन ने धमकियाँ दी, उसके बावजूद भी उसकी माँ ने बच्चे को टेनिस क्लब या जज के घर भेजने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद जज एंटी करप्शन ब्यूरो के एक ऑफिसर को भेजता है बच्चे के घर पे, जिसका पूरा नाम है DSP परमेश्वर लाल यादव, जो बच्चे के घर पर जाता है और बच्चे को टेनिस क्लब में या जज के पास भेजने के लिए कहता है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम नहीं भेजोगे तो पूरी फैमिली को एक झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। उसके बाद उसकी माँ FIR दर्ज करती है और मथुरा गेट पुलिस स्टेशन राजस्थान में एक FIR दर्ज होती है सेक्शन 377 और पॉक्सो एक्ट के तहत। आप जानते हैं कि जो बच्चों के साथ सेक्सुअल मामलात हो रहे हैं उसके खिलाफ एक नया कानून बनाया गया, जिसका पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। इस FIR को दर्ज होने के बाद फौरन पुलिस हरकत में आती है, और जज को जब इस FIR के बारे में पता चलता है तो जज बच्चे के घर पे जाता है और बच्चे से और बच्चे की माँ से माफ़ी मांगता है। माफ़ी मांगते हुए ये वीडियो उसकी माँ बड़ी चालाकी से रिकॉर्ड कर लेती है और सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। दैनिक भास्कर में आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें जज बच्चे से और इसकी माँ से माफ़ी मांग रहा है कि आइंदा से वो ऐसी बदफेली बच्चे के साथ नहीं करेगा। लेकिन चूँकि FIR हो चुकी है, जज को गिरफ्तार कर दिया जाता है और उसी दिन राजस्थान हाई कोर्ट जज को उसकी पोस्ट से सस्पेंड कर देती है। मामला यहाँ नहीं रुकता, बल्कि जज माँ और बच्चे के खिलाफ काउंटर कंप्लेंट फाइल कर देता है। जज का कहना है कि माँ और बच्चे उसके पास आते थे और उसे पैसे देने के लिए डराते थे और धमकाते थे। जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, इसलिए उन दोनों ने उसके खिलाफ झूठा सेक्सुअल केस दर्ज किया। हालांकि वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि जज खुद उस बच्चे से और उसकी माँ से माफ़ी मांग रहा है। सामयिक इकराम, हमारे मुल्क में
अदालतों का निज़ाम इतना ख़राब हो चुका है कि यहाँ इंसाफ नहीं मिल रहा है, और ऐसे वक्त में इस तरह के जज के मामलात आ रहे हैं, जो रेपिस्ट जजेस सामने आ रहे हैं, उसने हमारी अदलिया की रही सही कसर भी ख़त्म कर दी है, और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी इस अदालती निज़ाम से, वो उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही है। शुक्रिया।